दोस्तों आज हमारे चारों ओर कैमरे मौजूद है, फिर चाहे वो कोई सिक्योरिटी कैमरा हो या फिर आपके मोबाइल का कैमरा। और जब भी हमारे आसपास कुछ अजीब सा घटता है तो हम उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनमें से कुछ घटनाएं तो ऐसी होती है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही अजीब और दिल दहला देने वाली घटनाएं देखने वाले हैं जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड न होती तो कोई भी यकीन नहीं करता। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास वाले घंटे के आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दे। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये आदमी अपने बच्चे के साथ वॉक पर निकला है, फिर वो दोनों यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहर गए और जैसा ही वो लोग आगे बढ़े तभी ये हो गया। दोस्तों ये बाप बेटे अगर पल भर की देरी से आगे बढ़ते तो ये वीडियो कुछ और ही होता। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये दोनों बच गए और ये वीडियो इस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों ठीक उसी तरह आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये दोनों लड़के स्विमिंग पूल में है और उनकी माँ पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठी अपना काम कर रही है और तभी अचानक से एक पेड़ उस महिला पर गिर पड़ता है। दोस्तों वो तो इसकी खुद किस्मत रही कि वो महिला वहाँ से तुरंत ही हट जाती है और किसी को भी कोई चोट नहीं आती। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये महिला के हटने में थोड़ी सी भी देरी होती तो ये घटना कितनी जानलेवा साबित होती। दोस्तों इस अगली वीडियो में आप एक अजीब सी घटना देखने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आदमी जैसे जैसे इस टनल में आगे बढ़ रहा है तभी एक अजीब सा धुआं सामने आता है और फिर गायब हो जाता है, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि हर सेकंड हो रहा है। दोस्तों ये घटना कोलंबिया के एक टनल की है जहाँ पर कई सालों से ये घटना हो रही है। इसको देखकर ऐसा लगता है मानो ये टनल सांस ले रही है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, ये घटना आज भी वहां पर हो रही है मगर एक भी साइंटिस्ट आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि ये घटना आखिर किस वजह से हो रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है ऐसा किस वजह से हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो भी हो दोस्तों मगर ये घटना है बहुत ही डरावनी। दोस्तों ठीक उसी तरह आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि यह जंगल का बड़ा सा हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों यह वीडियो कनाडा के क्यूबेक के एक जंगल की है जिसको देखकर भी ऐसा लगता है कि मानो ये सांस ले रहा है। दोस्तों अगर इस घटना के होने के पीछे कोई कारण है तो वो है इसकी सतह जो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट है जिसकी वजह से इसकी जकड़ बहुत ही कमजोर है। इसलिए जब भी यहाँ पर तेज हवाएं चलती है उसकी वजह से यह सतह भी ऊपर नीचे होती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि मानो यह सांस ले रही है। दोस्तों क्या कभी आपने इस तरह का पेड़ देखा है? इसको देखकर लगता है कि मानो ये अंदर से धधक रहा है, और दोस्तों ये सच में अंदर से धधक रहा है। दरअसल दोस्तों इस पेड़ पर बिजली गिरने से ऐसा हुआ है। दोस्तों दरअसल ये एक दुर्लभ घटना है क्योंकि अगर आमतौर पर किसी पेड़ पर बिजली गिरती है तो वो मानो उसके चीथड़े उड़ा देती है, मगर ये पेड़ मानो किसी तरह बच गया और देखने में ये वाक्य बहुत ही अद्भुत लगता है। दोस्तों ये जो घटना आप देख रहे हैं इसे बॉल लाइटनिंग कहते हैं। दोस्तों ये घटना इतनी दुर्लभ है कि इसे सिर्फ एक ही बार रिकॉर्ड किया गया है, और दोस्तों ये शायद उसकी इकलौती वीडियो रिकॉर्डिंग है। दोस्तों हमने लाइटनिंग को आसमान में कई बार देखा है पर इसे इसी तरह नीचे घूमते फिरते देख किसी का भी सर चकरा जाए। दोस्तों असल में इस घटना के पीछे का कारण क्या है ये तो आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। जो भी हो दोस्तों मगर आपने इस घटना को इस वीडियो में जरूर देख लिया। दोस्तों अब क्रोकोडाइल से कौन नहीं डरता, इस दरिंदे से वो भी डरते हैं जो किसी से भी नहीं डरते, मगर मिलिए इन जनाब से। इनका नाम प्रवित सुएबमी है मगर 21 साल के प्रवित के लिए इससे खेलना मानो बाएं हाथ का खेल है। दोस्तों ये कभी अपना सिर उसके मुंह में डालता है तो कभी उसका हाथ, मगर ऐसी हरकतें कभी कभार जान पर भी भारी पड़ सकती है। दोस्तों इस वीडियो के कुछ ही साल बाद एक लाइव शो के दौरान ऐसा ही करतब करते वक्त एक क्रोकोडाइल ने इसका सर चकर लिया। दोस्तों YouTube की गाइडलाइन की वजह से वो वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता मगर आप यहाँ देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि इन जनाब की क्या हालत हुई होगी। दोस्तों खुद किस्मती से इनकी जान बच गई पर इस जनाब की गर्दन पर 30 टांके लगे।
दोस्तों, क्या कभी आपने इस तरह का पत्थर देखा है? मिशिगन के एक व्यक्ति जिसका निकनेम यूपर है, उसने लेक सुपीरियर समुद्री तटों पर एक ऐसे चमकते हुए चट्टान से ठोकर खाई। साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। जब इस पत्थर पर उसने यूवी लाइट मारी तो वो ऐसी चमकने लगी कि मानो वो अंदर से धधक रही है। उसने इसे अपने नाम पर यूपर लाइट नाम दिया। दरअसल ये पत्थर पर यूवी लाइट पड़ने पर ये ऑरेंज लाइट की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जब यूपर लाइट की जांच मिशिगन टेक को विश्वविद्यालय द्वारा हुई तो उन्होंने पाया कि ये चट्टाने साइनाइट क्लॉट युक्त फ्लोरोसेंट सोडा लाइट है। ये चट्टाने मोटे दाने वाले इग्नियस चट्टानों से बनी है जो दिखने में ग्रेनाइट जैसी है। इस चट्टान को जो खास बनाता है वो फ्लोरोसेंट सोडा लाइट का समावेश है। सोडा लाइट को पहली बार ग्रीनलैंड में 1811 में खोजा गया था। दोस्तों, 12 जून 2015 को इंडियाना में एक व्यक्ति ने मौसम को कैमरे में रिकॉर्ड करते समय एक ऐसी अद्भुत घटना को रिकॉर्ड कर लिया जिसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। वीडियो फुटेज में आप बादलों के ऊपर से एक प्रकाश का अजीब खंभा निकलता हुआ देख सकते हैं जो इधर से उधर मोमेंट कर रहा है। इस घटना को सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई लोगों द्वारा कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। जब इस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड किया गया तो मानो तहलका ही मच गया। कोई इसे नासा का सीक्रेट प्रोग्राम बता रहा है तो कोई किसी प्रकार का यूएफओ होने का दावा कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह मुश्किल से देखे जाने वाली मौसमीय घटना है जिसमें थंडर क्राउन का चमकना और उसके बाद स्पष्ट वातावरण में निकलने वाली अरोरा जैसी धाराएं दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना क्राउन फ्लैश है। यह घटना आमतौर पर किसी बादल के ऊपर बर्फ के क्रिस्टल जमने से होती है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं कई जगहों पर देखी गई है। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो थाईलैंड में रिकॉर्ड किया गया है। जब थाईलैंड का एक व्यक्ति इस तूफान की वीडियो निकाल रहा था तभी उसके कैमरे में कुछ ऐसा दिखा कि वो सन नहीं रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे क्या कारण होगा? क्या ये किसी तरह का स्पेस प्रोग्राम है या फिर कोई एलियन एक्टिविटी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप मेरी राय पूछे तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। दोस्तों, अब लास्ट में ये वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो कोलोराडो की एक महिला जिसका नाम विविन है उसके घर के सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। दोस्तों, जब उसने ये वीडियो देखा तो तुरंत ही उसने वहां की अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दी। दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो की काफी जांच पड़ताल हुई मगर ये वीडियो फेक होने का कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह सच में कोई एलियन है या फिर कोई ऐसा कॉस्ट्यूम पहनकर इस मोहतरमा के साथ मजाक कर रहा है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले घंटे के आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।